बात ऑपरेशन भेड़िया की करेंगे। बहराइच में अब भी दो भेड़ियों को पकड़ने में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है और नाकाम भी रहा है। अब तक 10 लोग इस हमले का शिकार हो चुके हैं। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, क्या दिक्कत आ रही है? इतने दिन हो गए हैं, दो आदमखोर भेड़िए हैं, उससे ज्यादा है, क्यों नहीं शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया जाता है? पिंजरे में पकड़ने की क्यों जल्दबाजी मची हुई है? भेड़िये को लेकर बहराइच में कोहराम है, दिन हो या रात, चप्पे चप्पे पर पहरा तो है ही है, लेकिन भेड़िये के हमले नहीं रुक रहे हैं। इस वक्त मेरी घड़ी में लगभग 12 बजे का समय है और आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा भेड़ियों के हमले हुए हैं। महासी इलाका है जहां हम मौजूद हैं और जब हम यहां पर निकलते हैं तो हमें पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी यहां पर नजर आती है, जो यहां इसलिए तैनात की गई है ये क्योंकि भेड़िया का कहर बढ़ा है और ये गाड़ी से तमाम पुलिस वाले गांव-गांव जाते हैं पता करने के लिए कहीं कोई हमला तो नहीं हुआ है, या अगर कोई हमला होने के चांसेस हैं, भेड़िया दिखेगा तो वन विभाग को सूचित करते हैं। तमाम अधिकारी उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग की क्या ड्यूटी लगाई गई है? आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे भेड़ियों को लेकर कष्ट कर रहे हैं? हाँ सर, जो है जोन में लगाया गया है 4 टीमों में, हर टीमों में जो है 4-4, 5-5, 6-6 गांव आउटर गांव लगे हुए हैं। रात भर हम हर गांव में भ्रमण करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं भेड़िए से संबंध में कि अपनी सुरक्षा जागते रहो। इस तरह की गाड़ियां हैं और यहां पर आप तस्वीरें देखिए कि महसी का ये पूरा इलाका है, पीछे पूरा सन्नाटा, पूरी प्लेन रोड, और यहाँ पर ये गाड़ी गश्त के लिए गाँव में जा रही है और आज तक जो है अब इनके साथ भी कुछ मूवमेंट तय करेगा और जाएगा देखने, पड़ताल करने की आखिर रात में, देर रात में जिस वक्त भेड़िये का हमला होता है उस वक्त यहाँ गांव में माहौल क्या है। तो चलिए हमारे साथ। रात लगभग 1 बजे का समय और हमारी मौजूदगी इस वक्त मनसापुरवा गांव में है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम के साथ साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं। देर रात का समय है, एक गाँव है जहाँ अभी भी आप देखें तो पहली तस्वीर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं जो चर्चा थी, यहाँ पर बाहर अभी भी सो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बाहर एक चारपाई पड़ी है और यहाँ पर ये सो रहे हैं और इनके घर में भी अभी आप देखिए, रात का समय हम दिखाने रियलिटी चेक करने भी आए हैं, कोई दरवाजा नहीं लगा है। रात का लगभग 1:30 बजे का समय है और अगर आप गांव की तस्वीर देर रात की देखते हैं, जो दावे किए गए, जो राशि दी गई, लाइट्स लगेंगी गाँव में, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो गाँव में आपको एक भी लाइट नजर नहीं आएगी। ऊपर बड़े बड़े तार बिछे हुए हैं लेकिन लाइट्स नहीं हैं। आप और भी आगे लेकर चलेंगे इस अंधकार में, रात का समय है और ग्राउंड से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ आपको लाइट्स नहीं दिखाई पड़ेंगी। लगभग रात में 2:15 बजे का समय और आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी बाहर जो लोग सो रहे हैं उनको हटा रहे हैं और लगातार एक तरह से बता रहे हैं कि जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं, आप बाहर मत सोइए। और देखिए यहाँ पर ये खड़ंचा भी रखे हुए हैं साथ में, सो रहे हैं भेड़िया से बचने के लिए खड़ंचा भी रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, ये देखिए ये खड़ंचा रखे हुए हैं, क्यों इसका क्या, क्यों रखा है इसको यहाँ पे? मारे बतका भेड़िया को। हाँ, देर रात का समय, गांव का नाम रायपुर, इलाका बहराइच और यहाँ अभी अभी भेड़िया देखा गया है और आप देखें तमाम तस्वीरें, विधायक जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप सर यहाँ आप इस समय देर रात आए हुए हैं और भेड़िया देखा गया है, क्या आप लोगों ने क्या कुछ पाया यहाँ पे? नहीं, यहाँ जो पग मार्क दिखाई पड़े हैं वो भेड़िए के नहीं है। हाँ। वो भी हम लोगों ने नापा, ये कलम जो हमारे पास है, भेड़िए का पग मार्ग इतना बड़ा होता है मिनिमम, और वो पग मार्ग इतना बड़ा है, लेकिन तब भी गांव का बाहरी हिस्सा है और इस क्षेत्र में देखा भी गया है तो कभी भी किसी भी समय आ सकता है, तो जागरूकता बनाए रखें। देर रात का समय है और प्रशासन और पुलिस के कर्मी तो यहाँ पर है ही है, लेकिन जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी देर रात को गश्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का मैसेज गांव वालों को दे रहे हैं कि आप यहां पर रहिए, अपने घर के अंदर सोइए, बाहर मत सोइए और अपना ख्याल रखें और अपने साथियों का ख्याल रखें, क्योंकि भेड़िया रात के अंधेरे में ही आता है और अटैक करता है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।